हाँ जी जय श्री राम, क्या हालचाल दोस्तों। आज मैं चाइना में आपको लेके चलता हूँ यहाँ के जनरल माउंटेन में। अभी देखो मैं खा रहा हूँ समोसा सुबह के नाश्ते में, और समोसे का व्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरा पहले का व्लॉग जरूर देखिए। समोसे का मैंने दिखाया कैसा समोसा होता है, क्या सबसे ये देखिए। पहले फिर बता देता हूँ, इसके अंदर है पत्ता गोभी और इसके अंदर है मशरूम, ये खाएंगे। और अभी वेट कर रहे हैं हमारे साथ चलने वाली एक कन्या का, बहुत खूबसूरत कन्या है, आपको दिखाऊंगा उसे भी, और चलते हैं आगे। सो मेरे साथ ये कन्या आ चुकी है, और अभी देखो रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ आपको कैसा नज़ारा है। ये देखो ऐसा रास्ता है, और ये लोग यहाँ पे हर रोज़ सुबह ना ऐसे सड़कों की धुलाई की जाती है, तो सड़कों की सफाई की जा रही है यहाँ पे हर रोज़, यहाँ पे होता है ऐसा चाइना का रूल है, और इसी वजह से यहाँ कोई डस्ट वगैरह नहीं होती। ये नॉर्मल कस्बा है जिसमें मैं रहता हूँ। ये देखो नॉर्मल शहर के बीचों बीच की सड़कें, इतना बड़ा तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीनरी की हुई है, और ये तीन लाइन की सड़क है, इधर ये अलग से जगह दे रखी है। तो ये देखिए रेड लाइट पे हम रुके हैं, और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही गजब, बहुत ही लंबा चौड़ा। तो भाई ये नज़ारा है देखो यहाँ का, ये सुंदर कन्या मेरे साथ, और ये है श्याहोंग, और ये जो है ये देखिए कि चांग चुंग शान कोंग यन। अभी जो चाइनीज़ है वो आपको लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है, पुराने समय में राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती थी। तो ये है देखिए, वाओ बहुत खूबसूरत। यहाँ से हम जाएंगे आगे को, और ये एक पॉन्ड है वहाँ चांग के, जो सो हमें सो बेन द सो कह रही कि ये यहाँ के पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे बहुत ऐसे अच्छे हैं दोस्तों, तो ये चलने के लिए बहुत ही सुंदर ऐसा माहौल यहाँ पर है। तो देखो भाई दोस्तों ये यहाँ का ऐसा नज़ारा होता है, पूरे जो इनका जो पार्क होता है ना उसका, उसके आगे है ना एक यहाँ के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का मकबरा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। इस तरीके के बड़े बड़े पात्र हैं यहाँ पे बने हुए, और आगे चलते हैं, आगे भी ऐसे कई पात्र हैं। मतलब कि जो रास्ता है इसको बहुत ही गजब इन्होंने बनाया है, पेड़ पौधों का जो आकार है वो भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं, देखिए वहाँ पे एक टॉम्ब है, उसके साथ ही एक मंदिर है जो यहाँ का छोटा पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर है, और फिर और ऊपर चलेंगे जो कन्या ने बोला था ना वहाँ आ जाएंगे। यह है भाई देखिए यहाँ का जनरल माउंटेन, और इस माउंटेन का रास्ता तो इधर है, ये रास्ता भैया मियामा हाँ, और ये इधर मंदिर है एक दोस्तों, इस मंदिर को छोटा सा झलक दिखा देता हूँ, फिर इस रास्ते पे हम चलेंगे। निखे खांचा का इहो चुना देन हाँ, यह है यहाँ पे मंदिर दोस्तों, और इस मंदिर को आप देख ही सकते हो यहाँ पे। इसके पीछे जो है वो है यहाँ के पहले के एक व्यक्ति का मकबरा, और जो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करा था, और यह ऐसा यहाँ का नज़ारा, बैठ के खाना पीना खा सकते हो। और अब आगे चलते हैं, ये देखो दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है यहाँ का पटाखा कुंड, जितने भी यहाँ पे दर्शक श्रद्धालु आते हैं वो पटाखा लेके आते हैं, और ये देखिए इसके अंदर वो जलाते हैं। आइए थोड़ा आगे आके देखिए, हमारी कैमरा वाली गर्ल को हम कहेंगे लाइदियन छेमियन निखान चाबियन था सब सिंग द खान लाइक हाँ। सो मैंने कहा है कि यहाँ अंदर देखिए, ये देखिए जो लाल लाल आपको पटाखे की अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग अपने श्रद्धावश यहाँ आते हैं और बहुत सारे पटाखे छोड़े जाते हैं। दोस्तों नए साल में तो पूछो नहीं, इतने पटाखे होते हैं यहाँ पे कि आप देख करके ऐसे रोमांचित हो जाओगे, मज़ा आएगा। लेकिन जो इंडिया में कुछ ज्ञानचंद फेंकू लोग होते हैं जो बोलते हैं दिवाली पे पटाखे मत छोड़ो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो ऐसे इधर ज्ञान देने वाले फालतू लोग नहीं होते, इधर सब खुले दिमाग से होता है, बड़े अच्छे मन से होता है, और पाठ पूजा करने को अच्छा मानते हैं, हर महीने पाठ पूजा करते हैं, घर में भी इधर बहुत सारे मंदिर बना के रखते हैं, तो ये सिस्टम है। आगे चलते हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी किया गया है, और यहाँ जो आप देख सकते हो दोस्तों ये क्या है, ये यहाँ पे एक यहाँ का लोकल फ्रूट है जिसे बोलते हैं फीफा, और खाने में बहुत मस्त होता है, मज़ेदार होता है आम की तरह। चलो और आगे चलाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है बिल्कुल यहाँ पठार की, जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ में यहाँ पे इन सीढ़ियों के साथ जब आप ऊपर जाते हो क्या अच्छी सुगंधित हवा आती है यहाँ की, मज़ा आता है भाई। चलो ये रास्ते में एक मंदिर आया है, इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और ये सब चीज़ें हैं। थक गई थक गई,
कह रही है थक गई भाई। चाइनीज को मैंने ना हिंदी भाषा सिखा दी है। बहुत सारे चाइनीज मेरे आसपास के ना सब मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, और जैसे ही मेरे से मिलते हैं तो बोलते हैं राम राम मुखिया जी। तो ऐसे करके बड़ा मज़ा आता है भाई। चाइना में भी एक देसी माहौल हमने क्रिएट कर रखा है, और ऐसे वीडियो तो आप देखते ही जाया करो, मज़ा आता रहता है। आपको दो देशों के कल्चर को मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी थोड़े दिनों में मैं और गजब गजब चीज़ें आपको नई नई दिखाऊँगा। फीफा की खेती कह रही कि सामने जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे ना आपको, ये पेड़ पौधे, ये है फीफा की खेती। फीफा यहाँ जो मैंने पहले दिखाया था ना, वही फीफा है। चलते चलते आधा घंटा हो गया है, बहुत ह्यूमिडिटी भी है, बारिश होने वाली लगता है। हमने छाता भी नहीं लेके आए, ये मैंने ऐसे ही पहन रखा है, और ऊपर से मच्छर भी काट रहे हैं। और ये जो कन्या है ये बोल रही कि अभी मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, तो ये अभी बालों को बांधने में लगी है। ये देखिए सीढ़ियाँ, और मेरे ऊपर भी ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ बाकी है। अभी चलते हैं आगे। तो मेरे पीछे अभी ये है ना, चलते चलते ये एक आया है, इस पर लिखा है देखो चांगचुंग शांतियंस था। ये मतलब बोलते हैं कि ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर एक टीवी स्टेशन है, या फिर यू समझिए जो कम्युनिकेशन के लिए रेडियो स्टेशन को यूज करते थे पहले, तो वो एक स्टेशन है। तो यहाँ पहाड़ी पे ना एक मंदिर बना हुआ है, और चाइना की खासियत ये है कि यहाँ हर एक पहाड़ी पे मंदिर मिलता है, और इस मंदिर में सभी लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये यहाँ पे बौद्ध धर्म का मंदिर है, और चाइना में बौद्ध धर्म को बहुत विशेष माना जाता है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखिए आप मेरे साथ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये एक छोटा सा मंदिर है जिसे यहाँ स म्याओ बोला जाता है। स म्याओ के ऊपर आप देख सकते हो क्या क्या है। देखिए ऊपर आपको यहाँ पे हाथी का चित्र मिलेगा, ये जो हाथी की मूर्ति मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे जो ड्रैगन है उसकी मूर्ति मिलती है, साथ में आपको शेर दिखाई देता है, और कुछ हिरन भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे। इस तरीके से ये कुछ आपको चीज़ें हैं। सामने ये पौंड बना हुआ है जिसमें बहुत सारी जो मछलियाँ आपको देखने को मिलती हैं। ऊपर जो मंदिर है वो भगवान बुद्ध का है, जिसे यहाँ पे फूसा बोला जाता है। पहाड़ी के ऊपर बना साफ सुथरा, बिल्कुल बहुत ही क्लीन ये सुलभ शौचालय। ऊपर आपको इस तरीके से एक ढाबा मिलता है जिसमें आप खाना खा सकते हो, और पूरा देसी तरीके से खाना बनता है। ये भैया भैया हाय बुआ पूछ रहे हैं कि आपको तीकवा इमी इन चीज़ों को भी खाना है क्या। तो तीकवा होती है जो शक्करकंद होती है, और इमी होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे, जो अपनी भाषा में बोलते हैं मक्का। तो ये सब चीज़ें हैं पहाड़ के ऊपर का ऐसा नज़ारा दोस्तों। ये ऊपर है ना, ये ऊपर दोस्तों ऐसे बैठ करके आराम करने की जगह है इसका। देखिए इधर जो चाइनीज़ है ना, पुरानी जो प्राचीन कालीन चाइनीज़ है उल्टा लिखा जाता था, वो लिखा है यहाँ पे। जो इधर वाला जो वर्ड है वो है ये, पहले जो लिखे हैं ना दो वो है थिंग, तो इसको वैसे तो ये थिंग बोलते हैं अगर मॉडर्न चाइनीज में, और पुरानी चाइनीज में थिंग ये बोलते हैं ये सब चीज़ें। और ये वाला भी ऐसे ही है, ये भी सब थिंग है, और इन सब में ना थिंग वर्ड कॉमन है, और ये सब बैठ करके आराम करने की जगह है यहाँ पे। सावियाची这是烧鸭鸡吗？对对对对。好吃。这个是烧鸭鸡。这个鸭蛋啊。这是鸡蛋。鸡蛋。这个是40，这个土鸡是60，三斤多，三斤多的大土鸡。你会看一下，你是印度吗？对。我看你的长相像印度，还会说云霄话。我一般般，会说。你在这边留学了。 我来了这边，我是老师这里。哦，来这边做老师呢。对。温州人很亲和，他们教了我。那会说，那你们印度吃饭？不过去了哈。印度吃饭叫什么？印度吃饭，吃饭。印度的吃饭叫咖喱，这样就是东西我们吃。哦，咖喱呢？对。这是。 你们说这是鸡蛋，我们说安达。这个你们说椰子，我们说这个奶油。要吃椰子吗？不要。怎么说话那么好听？好，感谢你，温州，谢谢，好，谢谢。
ये भी मैंने इनसे मिंगनान चाइनीज भाषा में बात की थी, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। आप बोलते हो कि चाइनीज लोगों से बात करके दिखाओ, तो अभी मैंने चाइनीज लोगों से बात करके दिखाया आपको लोकल भाषा में। थोड़ा भोजन कर लेते हैं और अभी दिखाता हूँ भोजन में क्या क्या है। देखो इधर चाइना में शाकाहारी खाना होता है ये, इसमें ना चावल है, चावल के ऊपर ये इनकी चटनी डाली हुई है। और ये आप देख सकते हो, ये जो फली होती है ना अपने, वो मूंग की फली है। ये तोफू है, गाजर है, और ये इनका स्वान, हाँ चक पूस्वान, ये आलू के जैसा इनका होता है, पता नहीं क्या ही बोलते हैं। ये आप देखिए गोभी का पार्ट है और ये इनके काले चावल। तो भाई आज का ये व्लॉग था, अब देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैडम को पूछते हैं इसको कैसा लगा। कैसा लगा आज का? मजा आया। मजा आया बोल रही है कि मजा आया इसको भी। तो ऐसे ही इसके साथ और आपको नए व्लॉग मिलेंगे, और इससे आपको हिंदी में लाइव बातें भी करवाऊंगा। और बड़ी अच्छी लड़की है, और इसने बहुत जल्दी हिंदी भाषा सीख लिया है, अब तो मारवाड़ी भी बोलने लगी है। और पूछती है मुझे काय करो हो और रोटी खा ली के, तो यहाँ ऐसे करके बहुत सारे शब्द पूछती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक, ये देखिए हवन कुंड देख सकते हो आप, लाइव हवन चल रहा है इधर। तो चाइना पूरा आस्तिक देश है, यहाँ पे सभी लोग पाठ पूजा हवन ये सब करते रहते हैं।